तो जैसे सबसे देखा जाए तो लगातार उन पर भी कार्रवाई होती है, तो अब तक किस तरह की कार्रवाई हुई सर और आगे क्या है? देखिए, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ही माफियाओं से नकेल कसने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पहले हमने अंधेरे में कार्रवाई की थी, उसके बाद हमने फतेहलापुर में कार्रवाई की थी, उसके बाद हमने नकल माफिया पर कार्रवाई की थी, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अभी एक मामला संज्ञान में आया था जो गाजीपुर शहर के बीचों बीच स्थित लाल दरवाजा में एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा था, और ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण जाँच में पाया गया कि अप्रूव्ड नक्शे के विरुद्ध किया गया था, और इसमें सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है, और ध्वस्त करने के लिए ये मकान मोहल्ला लाल दरवाजा गाजीपुर में श्रीमती अफ्सा अंसारी पत्नी श्री मुख्तार अंसारी के नाम से था, और ये RBO एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है, और इनको 7 दिन का समय दिया गया है। यदि इनके द्वारा ध्वस्त नहीं किया जाता है तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस मकान को ध्वस्त कर देगा जो अवैध रूप से निर्मित हुआ है, और इसको ध्वस्त करने में जो खर्च आएगा उसे भी भू राजस्व के तरीके से इनसे वकील जाएगा।